नमस्कार, मैं गौतम महर्षि फॉर्च्यून मम्मी का खाना में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, आज की हमारी जो गेस्ट हैं, कॉन्टेस्ट विनर हैं, जिनका नाम है सुचरिता जी, उनको बुलाया जाए। सुचरिता जी आ जाइए, स्वागत है आपका हमारे किचन में। थैंक यू सर। आइए, कैसे हैं आप? अच्छा। किधर से आप आए हैं? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आप आई? हुआ। वैसे आपका नाम जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि आप बंगाल से हैं। हम लोग बंगाल का ही हूँ। तो क्या रेसिपी आज आप लेके आई हैं? आज हम प्रॉन मलाई करी। चलिए, चिंगरी मलाई करी यानी कि प्रॉन मलाई करी आज यहाँ बनने वाली है सुचरिता जी के हाथों से। तो देखते हैं कि उसकी सामग्री क्या है, बताइए। प्रॉन लेना पड़ेगा। प्रॉन लेंगे इसके साथ। ये है नारियल। नारियल, कोकोनट। कोकोनट पिसा हुआ? पिसा हुआ कोकोनट, फ्रेश कोकोनट। इसके बाद ये कोकोनट का मिल्क है, ये सुगर है, इसको बोलते हैं तेज पत्ता। तेज पत्ता यानी कि बे लीफ्स। एक कार्ड है। दही। दही, ये घी है, देसी घी जी। और ये खसखस, भून के रखा हुआ खसखस का पाउडर। हाँ, पाउडर। ठीक है, इसके बाद नमक। नमक जी। किशमिश। किशमिश। ये राई का पेस्ट है। साथ में ये इलायची है, बड़ा इलायची। साथ में ये क्या है? ये फाइव सीजनल सीड्स है। तो कैसे शुरुआत की जाएगी, कैसे आप बनाएंगे, बताइए। पहले प्रॉन थोड़ा मैं लाइट करके फ्राई कर लूंगा। फ्राई करेंगे आप? हाँ। चलिए, मैं गैस ऑन कर देता हूँ। और इसमें कौन सा तेल आप डालेंगे? मस्टर्ड ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल। तो फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल मैं इसमें डाल देता हूँ। ये गया इसमें फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल। क्या इतना मस्टर्ड ऑयल फॉर्च्यून का काफी है? काफी है। चलिए, जब तक ये तेल गर्म हो रहा है मैं आपको देता हूँ हमारा एप्रन, आप इसे पहन ले। प्रॉन को फ्राई करने से पहले मैरिनेट नहीं करना होता? हाँ, थोड़ा हल्दी या नमक देकर थोड़ा चाय तो लगा देता। हाँ। या सिर्फ नमक देके उसको हल्का सा मैरिनेट कर लें। हाँ। ताकि नमक का स्वाद प्रॉन के अंदर अच्छे से आए। यहाँ पर सुचरिता जी इसमें नमक लगा रही हैं। अगर चाहें तो थोड़ी सी हल्दी या चाहे से थोड़ा नींबू का रस भी इसमें लगाया जा सकता है। चलिए, तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, बस हो गया लगता है। हो गया तो आप डाल दीजिए जी। धुआं उठना इसमें चालू हो गया। वाह, तो ये हो गए फ्राई। आप इनको निकालना चाहेंगे? तो चलिए, प्रॉन हमने फ्राई कर लिया है। इसमें ये फाइव सीजनल सीड्स। ओके, पंच फोड़न जिसको आपने नाम दिया था। वो डालेंगे आप। थोड़ा तेज पत्ता। ओके, तेज पत्ता और पंच फोड़न जिसके अंदर राई, पॉपी सीड्स, सौंफ, जीरा और मेथी दाना। बड़ा इलायच का छिलका। ये गई काली इलायची की लीव्स यानी कि छिलके उसके। इसको भूनना होगा जब तक ये मसाले जो है थोड़ा ब्राउन नहीं हो रहा है, ब्राउन हो जाए और फूटने की आवाज आ जाए इसमें, मेथी दाना खासकर क्रैकल हो जाए। तो चलिए, मुझे लगता है मसाले पक चुके हैं। इसके बाद इसमें आप क्या डालेंगे? मैं इसमें कोकोनट मिल्क डाल दूंगा। सीधा हम कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाल दीजिए एक कप। यहाँ पर हमने कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया है। अभी मुझे लग रहा है गर्म हो गया, थोड़ा सा स्प्लिट हो रहा है। इसमें अब क्या डालेंगे आप? मस्टर्ड ऑयल डालेंगे? मस्टर्ड ऑयल एक दो ड्रॉप्स। आप मुझे बताइएगा कितना? बस बस, बस। चलिए, इसको अब आप इसको थोड़ा हिला दे। हिला दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हिला देते हैं। अभी थोड़ा किशमिश डाल लेता हूँ इसमें। किशमिश, किशमिश थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खाने में मजा आएगा। बिल्कुल, थोड़ा फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा तो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये गई इसके अंदर किशमिश। चलिए लीजिए। इस समय आपको गैस स्लो पे चाहिए? स्लो, स्लो में, क्योंकि पानी सूख जाएगा तो अभी वो प्रॉन डालना है जी। तो प्रॉन का, प्रॉन को थोड़ा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा प्रॉन डाल दूंगा, पूरा ही डाल दूंगा। प्रॉन इसके अंदर डाल देता हूँ। हाँ। ये गए सभी प्रॉन इसके अंदर। चलिए, सभी प्रॉन मैंने डाल दिए। अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हिला दो, कोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग तब तक वो बाउल में थोड़ा वो पेस्ट हिला लेता हूँ जी। ये आपको मिलाना है सर? हाँ, एक तो बाउल में मिला लेता। आप इसमें सब डाल के मिला लीजिए अच्छे से। एक चम्मच कार्ड ले लेता हूँ, उसके साथ साथ एक खसखस का है पाउडर है, खसखस का जी। हाँ, ठीक है, थोड़ा नारियल, नारियल आधा चम्मच जी, नारियल का गूदा जिसे कहा जाता है, पल्प ऑफ कोकोनट। ठीक है, पिसी हुई राई, मस्टर्ड,
ये 2-3 चम्मच डाल सकता हूँ। 2 से 3 चम्मच ठीक है। इनको मिला के क्या करना होगा? इसका ऊपर डाल दूंगा। इसके अंदर आप इसको मिला देंगे। चलिए डाल दीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है। अभी थोड़ा नमक दे देता हूँ। अभी थोड़ा शक्कर और इसको नाम है मलाई कड़ी। मलाई में कुछ थोड़ा मिठास होनी जरूरी है। मिठास होना चाहिए जी। और वो सॉफ्ट भी होना चाहिए। ठीक है। वाह, तो इसके अंदर गई चीनी। तो करीब कितना, 2 से 2.5 मिनट और पकाना होगा इसको? हाँ, 2 से 2.5 मिनट। चलिए पका लेते हैं इसको। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या ये डिश तैयार है? हाँ तैयार तैयार है। चलिए मैं इसको टेस्ट कर लूँ। हाँ हाँ हाँ। वाह क्या बात है, बहुत ही यमी। तो चलिए टेस्टिंग तो हो गई, बहुत ट्रेडिशनल अच्छी सी रेसिपी है। अब बाकी इसका रिकैप, जिसमें होगी इसकी सामग्री और इसको तैयार करने की विधि, ये रहा इसका रिकैप। प्रॉन मलाई करी बनाने के लिए हमें चाहिए प्रॉन 250 ग्राम, किसा हुआ नारियल 100 ग्राम, नारियल का दूध 100 मिलीलीटर, चीनी 50 ग्राम, तेजपत्ता 10 से 12 पीसेस, दही 200 ग्राम, घी 100 ग्राम, खसखस का पेस्ट 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, सरसों का पेस्ट 50 ग्राम, बड़ी इलायची 50 ग्राम, 5 फोड़न मसाला 50 ग्राम, गरम मसाला 50 ग्राम, फॉर्चून कुकिंग ऑयल 100 मिलीलीटर, फॉर्चून मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर, नमक स्वाद अनुसार। और इसकी बनाने की विधि, एक पैन लें, उसमें सरसों का तेल डालकर गरम करें, तब तक प्रॉन को नमक के साथ मैरिनेट करें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर प्रॉन को हल्का गुलाबी होने तक सरसों के तेल में डीप फ्राई करें। तले हुए प्रॉन को एक प्लेट में अलग रख लें। अब एक पैन में 5 टीस्पून सरसों का तेल लें, उसमें 1 टीस्पून 5 फोड़न मसाला, 4 तेज पत्ते और 1 बड़ी इलायची डालकर उन्हें चिटकने तक भूनें। अब आधा कप पानी, 100 मिलीलीटर नारियल का दूध और 2 बूंद सरसों का तेल डालकर करी बनाएं। अब 2 टीस्पून किशमिश और तले हुए प्रॉन डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि करी प्रॉन से अच्छे से लिपट जाएं। तब तक एक बोल में 1 टीस्पून दही, 1 टीस्पून खसखस का पेस्ट और 1/2 टीस्पून किसा हुआ नारियल, 3 टीस्पून सरसों का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिक्सचर को करी में डालकर स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून चीनी मिलाएं और 2 मिनट तक पकाएं। अब इसमें 1/2 टीस्पून घी, 1/4 गरम मसाला और 1 टीस्पून फॉर्चून कुकिंग ऑयल डालकर मिलाएं। आपकी प्रॉन मलाई करी तैयार है। और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आगे भी आपको फॉर्चून मम्मी का खाना के द्वारा बनाकर दिखाते रहेंगे। फॉर नाउ दिस इज मी शेफ गौतम महर्षि साइनिंग ऑफ। बाय बाय।